नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 को बीच में ही रद्द करना पड़ा। अब इसी साल के अंत तक भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हस्सी ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल हस्सी को लगता है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करा पाना काफी मुश्किल भरा काम होगा। माइकल हस्सी IPL 2021 के लिए इंडिया में थे और वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। हाल ही में वो ठीक होकर वापस लौटे। फॉक्स क्रिकेट से बातचीत के दौरान माइकल हस्सी ने भारत के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर प्रतिक्रिया दी। माइकल हस्सी से जब इस साल भारत के T20 वर्ल्ड कप करवाने की उम्मीदों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलना बहुत मुश्किल होगा। हम IPL की 8 टीमों को देखें, मेरी राय है कि वर्ल्ड कप में इतनी ही या इससे ज्यादा टीमें होंगी। अगर वे अलग अलग शहर में खेलेंगे तो खतरा ज्यादा होगा। आगे ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप को भारत के बदले UAE में शिफ्ट कराना ही सही होगा। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से इंडिया को कुछ और प्लानिंग करनी होगी और UAE में या फिर कहीं और वर्ल्ड कप का आयोजन कराना होगा। इस वक्त काफी सारे क्रिकेट बोर्ड्स होंगे जो वापस इंडिया जाकर मैच खेलने में घबरा रहे हैं। आपको बता दें, देश में COVID-19 की परिस्थिति को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 29 मई को एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन करेगा। इस स्पेशल जनरल मीटिंग में T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन संभव है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।